नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपीपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली आरओ एआरओ परीक्षा के लिए डेली बेसिस पर हिंदी सेक्शन को तैयार करते हुए चलते हैं, जिसमें हम लोग अपने वीडियो लेक्चर और पीडीएफ के माध्यम से न केवल प्री परीक्षा के पाठ्यक्रम को बल्कि मेन्स परीक्षा के भी सिलेबस को तैयार करते हुए दैनिक रूप से चलते हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से हमारी ये वीडियो आने में थोड़ा सा अनियमितता थी, उसके कई सारे कारण थे, क्योंकि हम लोग ऐप डेवलपमेंट के जो हमारी फ्री टेस्ट सीरीज आनी है उसके लिए जो ऐप डेवलप कराना था उसमें बिजी थे, उसके साथ ही हमारी टीम को बढ़ाने की हमें ज़रूरत थी, इसमें भी हम लोग काफ़ी हमारा अच्छा खासा समय गया। और यही कारण है कि हमारी टेस्ट सीरीज तैयार होने के बावजूद भी चूँकि ऐप वाली जो कंपनी है उन्होंने हमें समय पर ऐप नहीं दे सके, इस वजह से थोड़ा सा हमें विलंब हो गया, जिसके लिए आपको काफ़ी असुविधा हुई होगी। हमें भी अपने वादा खिलाफी करनी पड़ी, हमें अपने जो कमिटमेंट था उससे हमें पीछे हटना पड़ा। इन सभी असुविधाओं के लिए, आपको जो भी परेशानी हुई, इन सभी के लिए हमें खेद है। और आगे से हमारी कोशिश है कि सब कुछ आपको नियमित तौर पर उपलब्ध कराई जाएगी, और फिलहाल अब सब चीज़ें रेगुलर हो चुकी हैं और हम लोग जो है अब हमारे वीडियोज पहले की ही तरह नियमित रूप से आएंगे। आगे बढ़ते हैं, आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम लोग जो हमारा आर ओ आर ओ के लिए हम लोग डेली कई सारी चीज़ें देखते हैं प्रियो मेंस के लिहाज से, उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सेक्शन आता है ऐसे कोटेशन का, यानी हम लोग निबंध प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले सभी कोटेशंस को डिस्कस करते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो उसमें अगर देखें तो सबसे पहला जो हमारा आता है वो दरअसल महात्मा गांधी के बारे में है। महात्मा गांधी का व्यक्तित्व इतना विशाल था कि उनको हम लोग किसी भी देश, काल, समय इत्यादि में संकुचित नहीं कर सकते, उसमें उसको हम लोग बांध नहीं सकते हैं। इसी चीज को यहाँ पर दिनकर जी ने, यानी रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, जिनको इनका पूरा नाम ना पता हो वो लिख ले, रामधारी सिंह दिनकर, परंतु इनका दिनकर नाम ही इतने आप में इतना फेमस है कि उसमें कुछ और इसके आगे पीछे लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इनका नाम अपने आप में एक मुहावरा है। फिलहाल देखें तो कोटेशन क्या है, तो जब भी गांधी से रिलेटेड या गांधी की प्रासंगिकता से रिलेटेड या महात्मा गांधी की प्रासंगिकता या महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता, ऐसे कई सारे निबंध आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, तो जब भी इससे रिलेटेड कोई भी निबंध आए तो उसमें आप लोग इस कोटेशन को आराम से यूज कर सकते हैं। एक देश में बांध संकुचित करो ना इसको, गांधी का कर्तव्य क्षेत्र दिक नहीं काल है, गांधी है कल्पना जगत के अगले युग की, गांधी मानवता का अगला उद्विकास है। तो देखिए, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि गांधी जी के जो विचार हैं वो वास्तव में उनको हम लोग किसी एक देश, यानी वो केवल भारत देश के लिए ही उपयोगी नहीं थे, या फिर वो केवल स्वतंत्रता आंदोलन के लिए ही उपयोगी नहीं थे, वो दरअसल ऐसे विचार हैं। जब गांधी बात करते हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, जब गांधी बात करते हैं कि हमें जो है पर्यावरण का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, तो उस समय पे वो वास्तव में ऐसी बातें कर रहे होते हैं जो आगे चलकर आने वाले लगभग 500 सालों बाद भी वो उतनी ही प्रासंगिक रहेगी। कुछ लोग होते हैं जो कि मतलब जैसे वो कहा जाता है ना, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए, तो गांधी वास्तव में एक वैसी ही शख्सियत है। आप देखिए, कबीर दास आज से मतलब 600-700 साल पहले हुए, परंतु उनके विचार आज भी उतने प्रासंगिक हैं, और उस मध्यकालीन युग में रहकर, उस रूढ़िवादी समाज में रहकर उन्होंने इतने प्रगतिशील विचारों को दिया कि आज भी उनकी प्रगतिशीलता का हमें जो है वो तुलना नहीं मिल पाती है। कई लोग आज भी उसी जो जातिगत बंधन या सामाजिक बंधन है उन्हीं में बंधे हुए हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वास्तव में अपने समय काल से बहुत परे होते हैं, उन्हीं में से एक गांधी जी की शख्सियत है और उसी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं दिनकर। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, महात्मा गांधी या गांधी के विचारों की प्रासंगिकता, जब भी इस प्रकार का निबंध आए तो उसमें आप निश्चित तौर पर इस कोटेशन को आराम से यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आज का जो हम लोग को शुद्ध अशुद्ध शब्द डिस्कस करना है उसमें हम लोग देखें तो देखिए, सबसे पहला जो है हमारा कृषांगिनी, तो कृषांगिनी जो है ये वास्तव में कृष होता है, कृष मतलब कमजोर, अंग मतलब अंग आपका, तो ऑर्गन, तो यानी कि कृषांगी वर्ड का मतलब जिसके कमजोर अंग हो वो हो गया, और कृषांगी को कृषांगिनी नहीं लिखेंगे। यहाँ पे ये नी जो है वो वर्ड गलत है, ये जो आपको नी दिख रहा है वो गलत है, यहाँ पे आप नी ना लिख करके, ये नी ना लिख करके यहाँ पे कृषांगी वर्ड जो है वही सही होगा। और उसके बाद देखिए, अगला जो हमारा वर्ड है कुमुदनी,
तो यहाँ पे नी नहीं होगा बल्कि ये कृषांगी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला जो वर्ड है वो है कुमुदनी, और कुमुदनी देखिए लिली को बोलते हैं, आपको पता ही है लिली फूल है, और कुमुदनी में भी ये दी जो है वो उसमें छोटी ई की मात्रा रहेगी। कुमुदनी चूंकि बोलने में उसमें ऐसा नहीं आता तो मतलब लोग यही समझते हैं कि वो उसमें नहीं आएगा ई की मात्रा, पर वो गलत है। यहाँ पे आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसीलिए ये चीज़ें आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से कराई जाती है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप लोग बार बार इसको किताब में देखेंगे फिर भी आपको ये लगेगा कि इसमें तो मतलब क्या ही अलग है। जब भी आपके सामने ये आएगा तो फिर आपको लगेगा कि ये सही है ये सही है। हो सकता है आप इसको एक घंटे पहले 5 बार पढ़ के भी जाएं फिर भी आपके सामने ये चीज़ कन्फ्यूजिंग ही रहे, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग होता है। इसीलिए हमारी कोशिश है कि वीडियो लेक्चर के माध्यम से अगर आप इसे करेंगे तो चूंकि वीडियो लेक्चर वीडियो ऑडियो विजुअल्स जो होते हैं उनकी एक रिटेंशन पावर मेमोरी में ज़्यादा होती है, इसलिए आप कहीं ना कहीं इस तरीके से वीडियो देखने के बाद उसको फिर पीडीएफ में पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकेंगे। तो देखिए कुमुदनी में दी में छोटी ई की मात्रा रहेगी, ठीक है। उसी प्रकार अगला है देखिए वर्ड सर्जन, तो ये सर्जन वर्ड ना होके सृजन होता है, ये देखिए ये सही वर्ड है सृजन ना कि सर्जन। सर्जन इंग्लिश का वर्ड है और सृजन जो है वो हिंदी में आपका सृजन रहेगा, नीचे री की मात्रा रहेगी। अगला देखिए अगर हम लोग तद्भव तत्सम की बात करें, तद्भव तत्सम में अखरोट, अखरोट का तत्सम होता है अक्षोट, कई बार पूछा जा चुका है, तो अखरोट का तत्सम होता है अक्षोट। इसी से मिलता जुलता देखिए है एक अखाड़ा, अखाड़ा का होता है अक्षवाट। तो देखिए अखरोट, अखरोट में अख ये आया है उससे अक्षोट हो गया, और यहाँ पे अक्ष से अखाड़ा से अक्षवाट कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद देखिए एक ही आता है मोती। अब चूंकि ये दोनों देखिए अक्षोट और अखाड़ा ये दोनों ही आपके कन्फ्यूजिंग है, तो इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है, अक्षोट और अक्षवाट ये दोनों इंटरचेंजेबली आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं, इसलिए आपको इसे ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगर हम लोग अगला देखें तो मोती, मोती को बोलते हैं मौक्तिक, मोती जो है वो मौक्तिक उसका असली तत्सम शब्द है जिससे ये मोती व्युत्पन्न हुआ है। और इसी प्रकार से क्षीर, क्षीर जो शब्द है वो दरअसल खीर उससे बना है, तो खीर का अगर तत्सम पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा क्षीर। आपको इसकी सारी पीडीएफ जो है वो वीडियो के तुरंत बाद आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और जल्दी ही हमारा जो ऐप डेवलप हो रहा है उसमें आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। फिलहाल आपको देखिए अखरोट का हो गया अक्षोट, अखाड़ा का हो गया अक्षवाट, इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, मोती का हो गया मौक्तिक और खीर का हो गया शीर, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखें तो वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है। अब वाक्यांश के लिए एक शब्द देखिए तो सबसे पहले चाल चलने वाला। अब देखिए चाल चलने वाला जो होता है, आप लोगों ने महाभारत देखी होगी, महाभारत में सबसे ज्यादा जो चाल चलता है, चाल चलना मतलब एक निगेटिव अर्थ भी उसका होता है, तो वैसी अगर चाल चलने वाले की बात करें तो शकुनी का नाम आता है, कि मतलब पूरी महाभारत की लड़ाई में अगर कोई लड़ाई करवाने वालों में केंद्रीय पात्र था तो वो शकुनी था, तो उसको आप जो है शकुनी को इसीलिए चाल चलने वाला बोल दिया गया। एक इसी से मिलता जुलता है कि रहस्य बताने वाला, रहस्य बताने वाला, तो वो जो है विभीषण हो गए। तो यहाँ पर देखिए कि रहस्य बताने वाला विभीषण, जो लोग रामायण से ताल्लुक मतलब रामायण को थोड़ा बहुत भी जानते हैं वो जानते हैं कि विभीषण ने दरअसल एक वो रहस्य राम जी को बताया जिसकी वजह से ही रावण पर विजय संभव हो सकी, तो इसलिए जो भेद फोड़ने वाला कह सकते हैं या इस टाइप में, तो वो विभीषण को माना जाता है। तो रहस्य बताने वाला हो जाएगा विभीषण, चाल चलने वाला हो जाएगा शकुनी, और लास्ट इसमें देखेंगे झगड़ा लगाने वाला, इसी से मिलता जुलता है कि झगड़ा लगाने वाला, तो वो हो जाएगा नारद। तो नारद जो है, नारद जी को वो जो है झगड़ा लगाने वाला बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अगर किसी कोई भी कैरेक्टर ऐसा पा रहे हैं तो फिर वहाँ पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, इस टाइप से किया भी जाता है अक्सर कि अरे ये तो शकुनी की तरह है, या ये मंथरा है, या ये जो है विभीषण का काम कर रहा है, तो इस तरीके से इसको काफ़ी यूज किया जाता है। और उसमें अगर देखेंगे आपकी झगड़ा लगाने वाला तो नारद, आप लोग रामायण में या इधर उधर जो भी ऐसे आता है, रामायण तो नहीं पर ज़्यादातर जगह पे जो भी ऐसे पौराणिक सीरियल्स आते हैं उनमें आप लोग अक्सर देखेंगे कि नारद जी जो है वो नारायण नारायण करते हुए इधर उधर पहुंच जाते थे। तो खैर आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं शब्द विलोम। विलोम शब्दों में पहला है लुभावना, लुभावना मतलब मन को भाने वाला, तो लुभावना का उल्टा हो जाएगा घिनौना, ठीक है। मोक्ष, मोक्ष का मतलब बंधनों से मुक्ति पा लेना,
मोक्ष का मतलब होता है बंधनों से मुक्ति पा लेना, तो इसका अगर उल्टा हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका बंधन। इसी प्रकार से प्रसारण, प्रसारण का हो जाएगा उल्टा संकुचन। प्रसारण का मतलब विस्तार और संकुचन मतलब उसको जो है एक ही जगह पर संकुचित हो जाना, ठीक है। तो प्रसारण का उल्टा हो जाएगा संकुचन, मोक्ष का बंधन और लुभावना का घिनौना, ठीक है। इधर आपका चाल चलने वाला शकुनी, रहस्य बताने वाला विभीषण और झगड़ा लगाने वाला नारद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। तो अगर पर्यायवाची शब्दों पे हम लोग आते हैं तो देखिए सबसे पहला है यमुना। अब देखिए यहाँ पर आपको जो याद करने की है उसका भी एक आपको ट्रिक विकसित कर दी गई है, मतलब एक दूसरे जो मिलते हुए शब्द हैं उनको हम लोग देखते हुए चल रहे हैं साथ में। कि अब देखिए यमुना, यमुना जो है रवि तनिया, तो रवि तनिया रवि सुता मतलब सूर्य की पुत्री, ऐसे करके अगर वो करें तो तनिया मतलब आपको पता है पुत्री होता है, सुत मतलब होता है पुत्र और सुता मतलब हो जाएगा पुत्री। तो यानी कि यहाँ तनिया और यहाँ सुता दोनों का मतलब एक ही है। इधर यहाँ सूर्यजा, जाज भी जिसके आगे लग जाता है उसका भी मतलब पुत्री हो जाएगा। इधर ये देखिए भानुजा, भानुजा का मतलब भी पुत्री, अर्कजा। तो ये सभी आप देखिए कि ये सभी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ये रवि सुता, रवि तनिया और सूर्यजा, भानुजा, अर्कजा, ये सभी मिलते जुलते हैं। सूर्य का मतलब भी यमुना से कनेक्ट कर दिया जाता है। इधर तनिया, ये देखिए ये दोनों भी आपस में, जब सूर्य तनिया है तो साथ में सूर्य भी है और तनिया भी है, ये दोनों को भी आप यूज कर सकते हैं। एक यहाँ पे जो हमें यूनिक मिल रहा है वो है हंस सुता, ठीक है। तो ये भी आप जैसे रवि सुता है वैसे ही हंस सुता करके इसको भी याद कर सकते हैं यमुना वाला। और बाकी आपका देखिए कालिंदी, आपको पता है यमुना की एक सहायक नदी है, तो कालिंदी और कालगंगा, कालिंदी से मिलता जुलता ही कालगंगा, वो जो है आप ये यमुना की पर्यायवाची ये दोनों ही हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको याद करने का एक थोड़ा सा आपस में एक दो को एक दूसरे से याद कर सकते हैं, जैसे रवि तनिया, रवि सुता, हंस सुता, सूर्य तनिया, सूर्यजा, भानुजा, अर्कजा, ये सारे ही आप एक साथ इनको देख सकते हैं क्योंकि ये कमोवेश मिलते जुलते हैं। उसके बाद देखें नदी, नदी पे अगर बात करें तो नदी का जो है एक तो लहरी हो जाता है, दूसरा देखिए पय मतलब पानी, पयस्विनी, तो पानी जो बहता हुआ पानी है उसको जो है लहरी, पयस्विनी, कूलंकसा, कूलंकसा जो है ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है, ये डायरेक्ट एक बार पूछा जा चुका है, तो कूलंकसा आपको देखना है। उसके साथ ही साथ कल्लोलनी, ये कूलंकसा से मिलता जुलता है कल्लोलनी, ठीक है। और उसके बाद देखिए अपगा और सरी, ये अपगा आपको याद रखना है, अपगा अगेन इंपॉर्टेंट है, एक अपगा याद रखना है, सरी हो गया, कल्लोलिनी, कूलंकसा एक जैसा लगभग मिलता जुलता है, और इधर पयस्विनी, पय से बना है, लहरी जो है वो नदी जैसे लहर मारती हुई चलती है, उस प्रकार से आप उसको याद कर सकते हैं, उसकी एक इमेज बना सकते हैं दिमाग में। अगला देखिए उल्लू, उल्लू का जो है उलूक, ये तो सबको ही पता है। इधर ये देखिए कौशिक, कौशिक इसका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है ये प्रश्न, और कौशिक से आपको ये याद करना है कि उल्लू को कौशिक बोलते हैं, पर्यायवाची उल्लू का कौशिक होता है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसा एक शब्द है जो कि आमतौर पर इसमें लोग कन्फ्यूज हो ही जाएंगे। उसके बाद देखिए लक्ष्मी वाहन, तो लक्ष्मी जी की सवारी जो है वो दरअसल उल्लू ही है, तो इस वजह से लक्ष्मी वाहन भी बोल दिया जाता है इनको। और कौशिक आपको विशेष तौर पर याद रखना है, इधर उलूक जो है वो उल्लू हो जाता है। उसके बाद देखिए हम लोग आते हैं प्रशासनिक शब्दावली पे, जैसा कि हम लोग मेंस के भी पाठ्यक्रम को साथ ही में तैयार करते हुए चलते हैं, तो प्रशासनिक शब्दावली में अगर हम लोग बात करें तो देखिए सबसे पहला आ जाता है एजेंट, एजेंट जो है अभिकर्ता को बोलते हैं। अब एजेंट को वैसे अब हिंदी में याद रखना उतना आसान नहीं, पर आपका ये प्रश्न पूछा गया है आरओ की ही परीक्षा में, मेंस परीक्षा में पूछा गया है कि एजेंट को क्या कहते हैं, तो एजेंट को बोलते हैं अभिकर्ता, जबकि नॉर्मली हम लोग हिंदी में भी इनको एजेंट ही बुलाते हैं, अभिकर्ता कम ही लोग जानते होंगे। इसी वजह से आपको ज़रूरी है कि आप इन सारे शब्दों को प्री के पहले से ही काफ़ी हद तक तैयार करते हुए चलें ताकि आपके पास एक अच्छा खासा शब्द कोश तैयार हो जाए। उसके बाद देखिए चार्ज शीट पे अगर हम लोग बात करते हैं, चार्ज शीट, तो चार्ज शीट को बोलते हैं अभियोग पत्र, जो लॉ वाले हैं वो इस बात को बखूबी जानते होंगे, चार्ज शीट को बोलते हैं अभियोग पत्र, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ ही देखिए क्रेडिटर, अगेन प्रीवियसली इट हैज बीन आस्क्ड कि क्रेडिटर को क्या बोलते हैं, तो क्रेडिटर जो है उसको ऋणदाता, ठीक है, यानी जो ऋण देता है, ऋण जो देता है, क्रेडिट देने वाला क्रेडिटर, ठीक है, ऋण देने वाला ऋणदाता।
और इसी का अगर उल्टा हम लोग करें तो वो हो जाता है डेटर, डेटर यानी DEBTOR, डेटर मतलब जो ऋण लेता है, ठीक है, और क्रेडिटर का मतलब ऋण देने वाला। अब देखिए मुहावरे और लोकोक्तियां पर आते हैं, मुहावरे लोकोक्तियां आपका PCS परीक्षा में भी पूछा जाता है, तो अगर इसमें आते हैं तो देखते हैं कि आंखें बिछाना, सबसे पहला होता है आंखें बिछाना। आंखें बिछाना पे हम लोग देखें तो आंखें बिछाना या फिर पलके बिछाना भी बोल दिया जाता है, तो आंखें बिछाना है पलके बिछाना है मतलब हृदय से स्वागत करना किसी का, कि मतलब हमने तुम्हारे इंतजार में आंखें बिछाई हुई हैं, पलके बिछाई हुई हैं, तो मतलब बहुत ज्यादा हृदय से स्वागत कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं आप आंखें बिछाना। काठ का उल्लू, एक तो उल्लू वो भी काठ का, तो ये जो है मतलब मूर्ख इसका संदर्भ में लिया जाता है कि काठ का उल्लू मतलब मूर्ख है, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, काठ का उल्लू पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए एक ये बड़ा है कि अच्छा है कि जल में गाड़ी नाव पर, थल गाड़ी पर नाव, यानी जब जल में गाड़ी होती है तो वो नाव पे जाती है, लेकिन जब थल में रहना पड़ता है तो नाव को चलने के लिए गाड़ी पर सवार होना पड़ता है, यानी जल में जाने के लिए एक दूसरे के ऊपर होती है, और जब उल्टा सिचुएशन होती है दोनों उल्टा सिचुएशन इधर भी हो जाती है, तो मतलब ये है कि हमेशा जो है आपकी परिस्थितियां बदलती रहती हैं, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, तो समय के अनुसार हर चीज़ें बदलती रहती हैं, ऐसा जो है इसका ये मतलब है। और ये रहा हमारा आज का सेशन, इसी प्रकार से हम लोग डेली इसको करते हुए चल रहे हैं, और जल्द ही आपको लगभग तकरीबन ये 8 से 10 दिन में हम लोग इसकी संख्या भी बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि अब आपकी जैसे एक आपको मैंने एक वीडियो बनाई थी कि RO का एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है, जिन्होंने ना देखा हो वो देख लें जा करके, तो उस आधार पे हम लोग ये है कि अब हम लोग को अपनी तैयारी को बहुत और भी ज़्यादा टारगेटेड वे में धार देना है, जिसके लिए हम लोग अब इसको संख्या बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे, तो तकरीबन 8 से 10 दिन में और भी कई सारे चेंजेस आपको मिलेंगे, साथ ही हमारे कई और भी इनिशिएटिव्स हम लोग शुरू कर रहे हैं जो कि आप लोगों को जल्दी ही देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।